परमश्रद्धेय संत चरण उपस्थित सज्जन माता भगिनी, वैसे तो इस कार्यक्रम के निमित्त समाज को शांति में या आपत्ति में मार्गदर्शन करने वाले हमारे श्रद्धेय संतों के विचार मंथन से सारी बातें स्पष्ट हो गई है। परंतु वो बातें आप तक हम तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, संभवतः इसकी परीक्षा सभी आचार्यगण संतगण करना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे बोलने के लिए बताया है। वेश मुझे ऐसा बना दिया है, लेकिन वेश बनने से ज्ञान और वैराग्य थोड़ी आता है, उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ती। धर्म के रक्षा की बात है तो धर्म की रक्षा करना है तो क्या रक्षा करनी है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक खरगोश था, जंगल में सोया था, दोपहर अच्छी भरपेट घास खा ली थी और आराम कर रहा था। उतने में ताड़ के पेड़ का एक सूखा पत्ता, बड़ा होता है, आप सब लोगों ने ताड़ का पेड़ देखा है, वो पेड़ से छटका और नीचे आके खड़का आवाज हुई। ताड़ का पत्ता बहुत बड़ा होता है, नीचे आता है तो आवाज होती है। तो ये हड़बड़ा के जागा और क्या खड़का क्या गिरा न देखते हुए भागा और एक जगह छुप गया, और फिर वहां से धीरे से मुंडी बाहर निकालकर देखता है तो कुछ नहीं, पेड़ का बड़ा भी हो तो क्या, आखिर सूखा पत्ता ही है, जो नीचे गिरा उसकी आवाज हुई। तो उसको स्वयं पर बहुत ग्लानि हुई कि क्या मैं हूं, इतना सा छोटा सा हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं अगर हाथी जैसा बड़ा होता तो इस पेड़ के पत्ते के खड़कने से क्यों डरता, भगवान भी क्या अन्याय करते हैं, सबको कुछ न कुछ दिया है जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। अरे कम से कम मुझे हाथी जैसा बना देता तो मुझे किसी को डरने की जरूरत नहीं थी। तो भगवान तो सबकी सुनते, उसकी भी सुन रहे थे, थोड़ा सा स्मितहास्य करके उन्होंने तथास्तु कह दिया, तो खरगोश हाथी जितना बन गया, उसको बड़ा आनंद हो गया, किसी को डरने की जरूरत नहीं। नींद हो गई थी, शाम का स्नान करने के लिए और वहां पर एक तालाब था जंगल का, उसमें गया तो तालाब के किनारे मेंढक थे, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था रूप खरगोश का और आकार हाथी का। तो वो जल में कूदने लगे, डुबुक डुबुक आवाज आने लगी, तो इसने कहा कि अरे डरो मत, मैं तो वही आपका खरगोश हूं, आज मेरा भगवान की कृपा से आकार बढ़ रहा है, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं, इसलिए आनंद से नहाऊंगा। तो मेंढकों ने कहा ठीक है हम तो मान लेते हैं, लेकिन ये जो तुम कह रहे हो डरने की जरूरत नहीं, तो इस तालाब में तो एक मगरमच्छ रहता है, वो तो पानी में हाथी को भी भारी होता है, तो जरा विचार करके वो डर गया, वापस लौट गया और फिर सोचने लगा कि क्या फायदा हाथी जैसा आकार, भगवान ने भी क्या मजाक किया हमारे साथ, अरे मगरमच्छ तो भारी, मुझे उसकी जैसी मोटी खाल होती उस पर काटे होते तो। तो फिर से भगवान ने हंस के तथास्तु कह दिया, तो हाथी के आकार पर मगरमच्छ जैसी खाल और काटे आ गए। तो फिर लौटा स्नान करने के लिए, उतने में देखा उसने कि जंगल के सब जानवर भाग रहे हैं, हाथी भी भाग रहा है, शेर भी भाग रहा है, हिरन भी भाग रहा है, चीता भी भाग रहा है, कोई एक दूसरे को खाने की सोच नहीं रहे, सब एक दिशा में भाग रहे हैं। पीछे से बंदर कूद कर आ रहे थे, उन्होंने पूछा बंदरों को क्या हुआ भाई क्यों भाग रहे हो, तो उन्होंने कहा जान प्यारी हो तो तुम भागो,
क्योंकि जो गवाह गवाह होता है जंगल का बाइसन, उसका एक झुंड निकला है और सबको रोनते इधर चला आ रहा है, तो तुम हट जाओ रास्ते से, कहीं छुप जाओ। तो ये फिर से छुप गया और भगवान को कहने लगा कि ये क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं भगवान, मैं रो रहा हूं, मुझे घबराना पड़ता है सबसे, और आप दे तो रहे हो लेकिन मैं तो घबराना छोड़ ही नहीं पा रहा। तो भगवान ने उसके मन में प्रकट होकर कहा कि ये मूर्ख, तुझे अगर भीति दूर करनी है तो ये मगरमच्छ जैसे काटे, हाथी जैसा आकार, दांत नाखून, इसका क्या उपयोग है भैया? तुम्हारे उस छोटे से शरीर में ही एक निर्भय हृदय अगर तुम मांग लेते तो उसी क्षण तुम्हारा डरना बंद हो जाए। हम हिंदुओं की अपने देश में आज की स्थिति ऐसी ही है, हमारे पास कोई कमी नहीं है किसी बात। इस देश में अभी भी लगभग 1000 साल विधर्मियों के आक्रमण को, पाशविक अत्याचारों को झेलकर भी हम 80% तो हम ही हैं, और कौन है? इस देश के शासन को चलाने वाले, इस देश के राजनीतिक दलों को चलाने वाले अधिकांश लोग तो हिंदू ही है, और कौन है? शासकीय कर्मचारियों में अधिकांश तो हिंदू है, और कौन है? क्या नहीं है हमारे पास इस देश में? ये हमारा देश है, आज भी हमारे मंदिर खड़े और मंदिर खड़े हो रहे हैं। हमारी परंपरा ने हमको जो सिखाया है वो शाश्वत है। सारी दुनिया इक्वालिटी की बात फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद करने लगी, और बात बहुत करते हैं लेकिन आज भी कभी कभी लगता है कि गोरी चमड़ी वाले बाहर के लोग हैं, उनके मन में अपने श्रेष्ठता का अहंकार आज भी है। ऐसा वहां अन्य रंगों के लोग जो है उनको लगता है, वो बोलते भी है, लेकिन हमारे यहां तो ये समता की बात हजारों वर्षों से बताई जा रही है। यहां रामानुजाचार्य जी की सहस्राब्दी के निमित्त उनकी विशाल मूर्ति को देख रहे हैं, उनका यही उपदेश था। तो हमारे पास कमी किस बात की है? किसी बात की नहीं, हम अपने आप को भूल गए, बस यही है। लड़ना पड़ता है, लेकिन लड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी कभी जब चर्चा होती है तो ये समस्या है, वो समस्या है, यहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, इसी की चर्चा होती है। तो भाई उपाय की चर्चा करो। एक उदयनंद नाम का राजकुमार था केरल में, उसके पिताजी ने उसको सीखने के लिए भेजा, प्रजा का रक्षण करना है तुमको, लड़ना आना चाहिए, शस्त्र विद्या, द्रोणाचार्य की विद्या सिखाने वाले 21 आचार्य केरल में थे, उनका गुरुकुल था, उसमें भेजा। वो गया उन आचार्यों के, उनका शिष्य बनकर 12 साल उसने खूब अच्छी मेहनत की, खूब अच्छा सीख लिया। फिर परीक्षा का समय आया तो अपने शस्त्र लेकर पहुंच गया गुरु के पास। 20 गुरु बैठे थे, 21वें प्रधानाचार्य सबके सामने थे, और उसने कहा कि आचार्य मैं उपस्थित हूं, मेरी परीक्षा लीजिए। तो प्रधानाचार्य ने पूछा, उसको परीक्षा तो लेते लेकिन पढ़े कितना हो वो बताओ 12 साल में। हमने पढ़ाया ठीक है, लेकिन तुमने लिया कितना वो बताओ, तो उसकी परीक्षा लेंगे। तो उसने कहा कि आचार्य आपकी कृपा से मैं इतना सीख गया हूं कि मेरे सामने विभिन्न शस्त्र अस्त्र लेकर अगर 10,000 लोग आते तो मैं उनसे लड़ सकता हूं और विजयी हो सकता हूं। हाँ, लेकिन आपने ताली बजाई, आचार्यों ने भी ताली तो बजाई होंगी, लेकिन उसको कहा कि ये अच्छा है लेकिन अभी परीक्षा नहीं लेंगे, 6 महीने बाद आओ। तो वो तो समझ गया 6 महीने बाद यानी सप्लीमेंट्री में बुलाया, तो फेल हो गए। तो सोचने लगा, और सोचते सोचते उसको उत्तर मिल गया,
छह महीने के बाद फिर पहुंचा और वही प्रश्न उसको किया गया कि क्या सीखे हो बताओ। तो उसने कहा कि आचार्य मैं जरा भूल गया था, ठीक से सोचा नहीं था, 10,000 लोगों से तो किसी को नहीं लड़ना पड़ता है, विभिन्न अस्त्र शस्त्र लेकर आपको मारने के लिए 10,000 लोग घेर कर भी खड़े हो गए तो भी जो अंदर खड़े हैं उतने ही आपको मार सकते हैं, बाकी लोग तो आपको मार ही नहीं सकते, उनके शस्त्र आपस में ही टकरा जाएंगे। तो ये युद्ध का शास्त्र अपना परंपरागत शास्त्र जो है वो कहता है कि अधिक से अधिक 27 लोग आपको एक साथ मार सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं 27 लोगों से अच्छी तरह लड़ सकता हूं। तो गुरु ने कहा कि तुमको सोचने की दिशा मिल गई है, इसी दिशा में सोचो और 6 महीने के बाद आओ। तो थोड़ा दुख हुआ लेकिन उनको लगा कि एक क्लू तो मिल गया, इसी दिशा में सोचना है। तो सोचते सोचते उसको ध्यान में आया, अगली बार पहुंचा और वही प्रश्न आया तो उसने बताया कि मेरे अहंकार में मैं भूल गया था, 27 लोग मारेंगे तो भी एक साथ, शास्त्र ये कहता है कि एक को रोको, दूसरे को धौस दो, तीसरे को पीटो और चौथे के बगल से घेरे के बाहर हो जाओ और फिर कभी एक से ज्यादा को सामने पड़ने मत। तो मैं एक से तो बहुत अच्छी तरह लड़ सकता हूं क्योंकि एक समय एक से ही लड़ना पड़ता है। तो गुरु ने कहा बस अब तुम तो लगभग पहुंच गए हो, पहुंच जाओ और 6 महीने के बाद आओ, अब क्या गड़बड़ हो गई। तो फिर उसने अंतिम उत्तर सही उत्तर दिया, उसने गुरुजी को बचाया, गुरुजी आपने जो सिखाई मुझे विद्या तो मारपीट करने के लिए लड़ने के लिए थोड़ी सिखाई, और मेरा भी किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से बैर नहीं है, जैसे अपने हिंदू समाज का है, वो तो किसी से दुश्मनी करता नहीं, इसलिए मैं किसी से नहीं लड़ सकता, क्यों लड़ूं, कारण नहीं है कोई लड़ने का, सब मेरे अपने बंधु है, वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं ऐसा हूं लेकिन दुनिया सारी ऐसी नहीं है, उसमें दुष्ट लोग हैं, कारण हो ना कारण हो वो लड़ते रहते हैं और सज्जनों से पहले लड़ते हैं, उनसे ज्यादा खार खाते हैं। ऐसी दुनिया में अपने को और अपनी प्रजा को बचाने के लिए मैं ऐसे लड़ सकता हूं कि मैं इन दोनों को बचा सकता हूं, मैं लड़ किसी से नहीं सकता लेकिन इन सबको बचा सकता हूं। तो फिर गुरु ने कहा कि ये तुम्हारा उत्तर सही है, 12 साल से हम देख रहे हो तुम लड़ते कैसे हो, ये ध्यान में रखकर लड़ो तो बाकी काम हो गया, हिंदुओं को बस यही करना है। सामर्थ्य हमारे पास ऐसा है कि हमारे सामने खड़े रहने की ताकत किसी की नहीं है, जिनका डर कभी कभी हमारे मन में आ जाता है और उस डर के मारे कभी कभी हम भी उलझुल बातें कह देते हैं, उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं, उन्होंने तो बहुत प्रयास किया, अगर समाप्त तो होना होता हमको तो पिछले 1,000 सालों में हम हो जाते, ऐसा नहीं हुआ, जो हमको नष्ट करने तुले थे उनके पैर खोखले हो रहे और हम तो वैसे के वैसे हैं। आज भी 5,000 साल पुराना सनातन धार्मिक जीवन जो भारत का विभिन्न पंथ संप्रदायों से सुसज्जित सुशोभित आज भी यहां देखने को मिलता है, वैसा का वैसा देखने को मिलता है, ऐसा कहीं नहीं है। हमारे पंथों में आचार्य है जो पंथों की जो शिक्षा है उसको अपने मन में अनुभूत करते हैं नित्य और अपने जीवन में प्रकट करते हैं, ऐसे लोग भारत छोड़कर अन्य देश में किसी के पास नहीं है, साक्षात्कारी महात्मा हमारे पास है, हमारे पास कोई थ्योरी वाली बात नहीं है, आज भी उसका रोज अनुभव करने वाले लोग हैं। और इतना बड़ा हमारा जनसमाज है, इतने सारे अत्याचार होने के बाद भी बहुत अच्छी भूमि मातृभूमि हमारे पास है, हमारे पास प्रचुर खनिज है, प्रचुर संसाधन है, दुनिया का सबसे तरुण देश हम है, हम डर क्यों रहे हैं? तो 2-3 बातें हैं, हम अपने आप को भूल गए, पहली बात तो हम अपने आप को भूल गए तो हम अपनों को भी भूल गए, इसलिए यह बताना पड़ता है जिस देश में
और सर्वत्र एक ही सत्य का निवास मानते हैं। अस्तित्व की एकता की सारी विविधता है, केवल विविधता में एकता नहीं, ऐसा मानते हैं। उस देश में समता समरसता के लिए आह्वान करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम भूल गए। आचार्य संत अपना उपदेश देते हैं, उसके लिए परिश्रम करते, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने आजीविका के कार्य में, अपने धर्म जीवन में सबको समान देखना, सबको केवल समान नहीं देखना, सबको आत्मवत देखना, यही हमारी संस्कृति है ना। सब पंथ संप्रदाय, वैदिक अवैदिक, सब प्रकार के, शुरू तो एक ही बात से होते हैं भारत के, कि सब कुछ एक से निकला है। वो एक चेतन है कि जड़ है, असत से सत होता है कि नहीं होता है, ये दार्शनिक वाद विवाद है। ये सारा करके भवती न भवती होके अंत में रहना कैसे, उसका उपदेश सबका एक है। सनातन परंपरा में शब्द है सत्य अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य अहिंसा और तप शौच स्वाध्याय। ईश्वर प्रणिधान जो मानते हैं उनके लिए, नहीं मानते हो तो सत्य प्रणिधान तो है ही। तो ये यम नियमात्मक आचरण का उपदेश सबका है और प्रस्थान बिंदु सबका एक है। दार्शनिक दृष्टि से भी हम सब लोग एक समाज है, क्योंकि हमारे यहां इसकी शक्ति नहीं है कि एक ही दर्शन अपनाओ, रुचि वैचित्र्य होता है। किसी को रुजु मार्ग अच्छा लगता है, किसी को कुटिल मार्ग अच्छा लगता है। ऐसे कार्यक्रम में आना, आजकल मुझे अगर कहते आओ तो मैं विचार करता हूं कौन सी ट्रेन जाती है, कौन सी फ्लाइट जाती है। आज से 50 साल पहले अपने मित्रों के साथ अगर ये विचारता कि अमुक अमुक काम के लिए भाग्यनगर जाना है बड़ी संख्या में, तो हम लोग ऐसा विचार करते कि साइकिल से हैदराबाद जाएंगे, साइकिल से भाग्यनगर जाएंगे। क्यों? उस समय वो थी ताकत, और इसलिए उस समय साइकिल का विचार करते। आज साइकिल चलानी तो आती है लेकिन हिम्मत नहीं कर सकता, तो ट्रेन का विचार करता हूं, बस का विचार करता हूं, फ्लाइट का विचार करता हूं। समय कम है तो फ्लाइट से आना पड़ता है। भाई वाहन कौन सा है बात अलग है, रास्ता कौन सा है बात अलग है, गंतव्य कौन सा है वो सबका एक है। सबको धर्म के मार्ग से मोक्ष की ओर बढ़ना है, उसके लिए अर्थ काम का नियंत्रण है। अनियंत्रित अर्थ काम का दर्शन भी लोकायत दर्शन कहा जाता है, उसको हमारे शास्त्रों में हमने स्थान दिया है, लेकिन हम उसका अनुसरण कोई नहीं करता अपने देश में। आज उसकी विरासत बताने वाले जो लोग हैं वो भी उसका अनुसरण नहीं करते व्यवहार। तो ये सारी जो विभिन्नताएं हैं हमारी, हर बात की, भाषा की है, प्रांत की है, जाति पाति बहुत मची है, पंथ संप्रदाय अलग अलग है, परंतु हम सब एक भारत माता के पुत्र हैं। और इन सारे दर्शनों ने जिस संस्कार परंपरा का पुरस्कार किया है वो हमारी संस्कृति है, जो कहती है आत्मवत् सर्वभूतेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् मातृवत् परदारेषु या पश्यति स पंडिता। तीन सूत्रों में हमारी पूरी संस्कृति आ गई, और उस संस्कृति ने हमको पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता बताई है। तो इसको स्मरण करना, हम सब एक है, विविध रूप हमारे है वो पहले से है, और ऐसा हो ये हमारे यहां माना गया है, ये प्रकृति का, हमारे देश का, हमारे समाज का, मानवता का श्रृंगार है विविधता, उसको स्वीकार करते हैं हम। और इसलिए हमारे यहां इतनी भाषा जाति प्रंत प्रांत हम भेद नहीं करेंगे, ये सब मेरे अपने हैं। और मेरा भला करते समय मैं इन सब के भलाई की सोचूंगा, और इनके साथ मेरा व्यवहार
हमेशा अपनापन का होगा। ये आचरण करने की आवश्यकता है, इसका आचरण शुरू करना, एकदम करना संभव भी नहीं होगा आपको, तो शुरू कीजिए समाज के हर जाति वर्ग पंथ संप्रदाय में अपने मित्र होने चाहिए। समाज के हर जाति वर्ग पंथ संप्रदाय भाषा में मेरे कुटुंब के मित्र कुटुंब होने चाहिए, आने जाने का संबंध होना चाहिए। यह आचरण हमको शुरू करना पड़ेगा, इसकी शिक्षा सब तक समाज तक पहुंचती रहे। इसलिए हमारे आचार्यों को संतों को भी बिल्कुल अभी अखिल भारतीय स्तर पर हम इकट्ठा आए हैं, लेकिन एक एक ब्लॉक में जो हमारे संत है विभिन्न संप्रदायों के, उन सबको महीने में एक बार बैठना चाहिए, समाज के भलाई के लिए कैसा प्रबोधन करना इसका विचार करना चाहिए, सबका बल मिलकर सारे समाज के अभाव को कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है, समाज के महाजनों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। जैसे इतना एक सुंदर प्रेरक स्थान यहां पर बनाने की प्रेरणा स्वामी जी के द्वारा और हमारे दो बंधुओं को मिली जो बैठे अंत में, और ये देखते देखते खड़ा हुआ, लगता तो असंभव सा है इतनी बड़ी मूर्ति और इतना अच्छा परिसर खड़ा हो, कल्पना असंभव सी लगती, लेकिन हो गई। समाज का बल अनंत है, ऐसे सत्कार्यों की प्रेरणा समाज को देते रहने के लिए खंड स्तर पर हमारे पंथ संप्रदायों के आचार्यों को इकट्ठा बैठना चाहिए। और हम बाकी लोग हमारे अपने परिवार से शुरू करें, हमारे कुटुंब में बैठे हम भी, हफ्ते में एक दिन नियत समय पर शाम को इकट्ठा आए, श्रद्धा अनुसार भजन करें, बाद में घर में बनाया हुआ, घर के लोगों ने बनाया हुआ रुचिकर स्वास्थ्यकर भोजन आनंद से करें और दो तीन घंटा चर्चा करें। पहली बात है अपनी कुलरीति, हमारे पूर्वज कौन थे, क्या थे, कैसे थे, हमारे पूर्वज यानी हमारे अपने वंश के पूर्वज ये भी होता है और हमारे अपने देश के पूर्वज, इन सबकी रीति क्या थी, हम उसके लायक है कि नहीं, हमारे घर में भाषा भूषा भवन भजन भ्रमण भोजन ये सब उसके अनुरूप होता है कि नहीं। हो सकता है काल सुसंगत कुछ परिवर्तन होंगे, लेकिन उन्हीं मूल्यों पर उसी दिशा में सोचकर हमारा पहनावा हमारी भाषा ये सब होता है कि नहीं। हमारे घर में चित्र लगे हैं, हमारे घर के विवाह की निमंत्रण पत्रिका बनती है, उसमें ये सब प्रतिबिंबित होता है कि नहीं। और दूसरी बात ये सोचना है कि मैं मेरे लिए तो रोज समय देता हूं, काम करता हूं, खर्चा भी करता हूं, अपने कुटुंब के लिए समय देता हूं, खर्चा करता हूं, जिस समाज पर मेरा अस्तित्व अवलंबित है उसके लिए मैं क्या करता हूं, रोज कितना समय कितना पैसा। अपने यहां परंपरा कहती है कि आय का छेवा हिस्सा राजा को दो राज्य चलाने के लिए, छेवा हिस्सा अपने लिए रखो, छेवा हिस्सा अपने परिवार के लिए रखो, छेवा हिस्सा आड़े हाथ आड़े समय में काम आने के लिए बचत में रखो, छेवा हिस्सा समाज के अभाव दूर करना, समाज की आवश्यकता पूर्ण करना, धर्मशाला धर्मादाय चिकित्सालय आदि आदि समाज की धारणा के लिए चलने वाले काम सेवा कार्य इसके लिए रखो, और छेवा हिस्सा अपने देवालय अपने देवालयों में पूजा उनका रखरखाव उनका पोषण इसके लिए रखो। क्या हम जितना कमाते हैं उसका ऐसा उपयोग करने की दिशा में हम दो कदम आगे बढ़ सकते हैं? हम दो कदम आगे बढ़ेंगे तो हिंदू समाज के हाथ में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति एक बात बची है वो आ जाएगी।
और ध्यान रखिए कि मेरा अपना हित, मेरे परिवार का हित, मेरी भाषा का हित, मेरी जाति का हित, मेरे प्रांत का हित, मेरे पंथ का हित, ये हमेशा दूसरे नंबर पर है। पहला नंबर है हिंदू हित यानी राष्ट्र हित। कोई भी बात जो आपस में झगड़ा लगाने वाली है उसमें हम नहीं जाएंगे। कोई बात जो हमको आतताई बनाने वाली है उसमें हम नहीं जाएंगे। कोई बात जो हमको डरपोक बनाने वाली है उसमें भी हम नहीं जाएंगे। हम स्वाभिमान से जिएंगे और सृष्टि का पालन पोषण करेंगे। इस प्रकार का जीवन जीने का संकल्प हमारा होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल और आज यहां पर संतों की, आचार्यों की जो चर्चा हुई उसका कुछ सारांश जो मैंने सुना उसमें से मुझे ऐसा लगा कि उनका यही उपदेश है। तो संतों आचार्यों को तो मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं उनके सामने कि अत्यंत उचित समय पर देश के इस मध्य भाग में स्वामी रामानुजाचार्य का भक्ति युक्त, समरसता युक्त जीवन सामने लाकर सारे समाज को उन्होंने अत्यंत उचित समय पर एक संदेश दिया है। वास्तव में यहां से अपने देश के भाग्य का जगना, इसकी एक प्रक्रिया का एक चरण पहले शुरू हो गई, एक चरण यहां से शुरू हो गया है। भाग्य नगर का नाम सार्थक हो गया। तो इससे ज्यादा आपने को कहना क्या है, मुझे क्या बताना है आपको? मुझे इतना ही कहना है और मुझे भी वो करना है कि ये जो बातें उनकी कही हुई बातें हैं, धर्म जगत में कैसे लाना, समाज को कैसे प्रबुद्ध बनाना, सेवा कैसे बढ़ाना, वो देखेंगे। परंतु गृहस्थों के नाते हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों का पालक होता है, समाज की धारणा करने वाला गृहस्थाश्रम होता है, धारणा कैसी करना इसका ज्ञान देने वाला संन्यास आश्रम होता है। और इसलिए संन्यास आश्रम ने अपना कर्तव्य पूर्ण करने के बाद गृहस्थाश्रम ने उनके उपदेश के अनुसार अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए, ये दायित्व। इस मूर्ति का निर्माण यहां हुआ तो इसका मतलब है कि भाग्यनगर वासियों ने या समस्त हिंदू समाज ने, क्योंकि सारे आचार्यगण यहां पर हैं, समस्त हिंदू समाज ने यह दायित्व अपने सर पर लिया है। समाज के घटक अपने आप व्यक्ति नहीं होता, कुटुंब होते हैं। तो गृहस्थ का कर्तव्य है कि अपनी घर गृहस्थी चलाते समय उससे अच्छे व्यक्तियों का निर्माण हो कुटुंब में, कुटुंब अच्छा चले, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए, ये देखे, और समाज की धारणा ऐसी हो कि समाज तेजस्वी बनकर संपूर्ण विश्व ने जो संतुलन खोया है वो संतुलन वापस करने वाला धर्म, उसको देने वाला विश्वगुरु समाज वो बने, अपने देश को बनाए, ऐसा काम हम आज से प्रारंभ करें। इतना एक निवेदन आपके सामने रखता हूं और मेरे चार शब्द समाप्त कर।